और आज हम जाने वाले हैं उस पहाड़, वो के पीछे भी एक पहाड़ है, उधर की साइड जाने वाले, डाबर के पीछे डबराट। अभी हम पहुंच चुके हैं दरखास्ती खाल में। अच्छा, तो यहाँ पे जो मंदिर है कैसा है? ये शिवजी का है। शिवजी जी का मंदिर है। हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं हम? डबराट। इतनी ऊपर ऊपर टांग रखे ना, घंटी की क्या बोलूं। टावर के उस पार जाने वाले हैं, तो मैंने सोचा पहले टावर भी दिखा दूं। यार इतने सारे कुम्मुर लगे, गलती कर दी टावर में जाने से। भाई साहब यहाँ पर रास्ता इतना खराब है ना, मेरे को तो इतना डर लग रहा है ना। रुको रुको रुको। तो दोस्तों कुछ ऐसी दिक्कतें भी होती हैं पहाड़ों में। भाई साहब अभी वहाँ पे बच्चों ने बताया वो डबराट नहीं है, वो बूथा नगर है। डबराट के यात्री सैन में पहुँच चुके हैं। अभी अपना में अभी कोई लोग दिख तो नहीं रहा। ये शेरू हमें अपने गांव में आने नहीं दे रहा है, हमें डरा रहा है ये शेरू। और अभी ना पापा वैसे 15 साल पहले आए थे, तो पूरा चेंज हो चुका है, पापा को भी अभी याद नहीं। अभी जा तो रहे हैं, देखते हैं फिलहाल उधर की साइड होगा जिधर जा रहे हैं। पापा ओ जानो थक गए, पापा तो थक गए। पापा को पता होता ना इतनी दूर है तो पापा कभी नहीं आते हैं। पापा वो टावर के सामने ये मतलब आप लोगों को जो सामान उमान लेना होता होगा तो आप कहाँ जाते हो फिर? यहाँ पे ताऊ जी तो खाना खा रहे हैं। ताऊ जी नमस्ते, क्या क्या बना रखा है ताई जी ने खाने में? तब प्रस्तावित तो यहाँ का था। अच्छा अच्छा, यहाँ से जा। अबे मुझे करिश्मा के पापा भी मिल गए हैं, नमस्ते। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 10:30 और आज हम जाने वाले हैं उस पहाड़, वो पहाड़ देख रहे हैं टावर है जिसमें, उस टावर के पीछे भी एक पहाड़ है, उधर की साइड जाने वाले। और मेरे साथ आ रहे हैं आज डुग्गू के पापा। तो कौन सा गांव है वो टावर के पीछे? डाबर के पीछे डबराट। टावर के पीछे? डाबर के पीछे नहीं, हाँ डबराट। अच्छा, टावर के पीछे डाबर है, टावर के पीछे डबराट। अच्छा, तो वहाँ जाने वाले हैं। डबार क्या है पापा? डबार पीछे है, डबराट पीछे है। डिंडर डिंडर हम जा रहे हैं डबराट। और झटके इतने लग रहे हैं ना, ये रोड इतनी खराब हो रखी कि आई बोलूं। वैसे तो बन रही थी कुछ टाइम पहले, पर शायद काम रुक गया है, अभी पक्की नहीं हुई, कच्ची है, पर बहुत झटके लग रहे हैं। आप देख सकते हो मेरी वीडियो के माध्यम से, जब मुझे मेरा फोन इधर उधर उछल रहा है। वाकई में इतनी खतरनाक रोड है ना कि क्या ही बताएं। एक तो इतनी पतली सी है और ऊपर से चढ़ाई में चढ़ना पड़ रहा है ना, और मेरे को तो चक्कर आ रहे हैं कि पैदल ही जा लेती हूँ सच्चा तो। मैंने बोल दिया अंकिल को तुम लोग जाओ, अब मैं आ रही हूँ पैदल। और देखा पूरा रास्ता ऐसा और खाए सब बच्चे के। अभी हम पहुंच चुके हैं दरखास्ती खाल में। तो हम गांव में तो नहीं जा रहे हैं, पर यहाँ के मंदिर है, बहुत प्रसिद्ध है यहाँ पे का एक मंदिर, तो हम वही मंदिर में जा रहे हैं जो हमें बताया लक्की ने अभी। तो ये है सुजल का भाई लक्की, ये आ रखा अपनी नानी के घर दिवाली मनाने के लिए है लक्की। हाँ, तो लक्की ने बोला यहाँ पे एक बहुत अच्छा मंदिर है, वहाँ चलते हैं। तो जा रखा मंदिर में? नहीं जा रखा, दूर से देख रखा है। हाँ, तो चलते हैं पहले मंदिर के दर्शन करके आते हैं। तो सामने से ताऊ जी भी आ रहे हैं। ताऊ जी राम राम, ठीक हो? हैप्पी दिवाली आपको, मुबारक हो। तो आप इसी गांव के हो? कौन सा गांव है ये? अच्छा, तो यहाँ पे जो मंदिर है कैसा है? शिवजी जी का मंदिर है। अच्छा, वैसे हम इसको सिद्ध बाबा भी कहते हैं, सिद्ध बाबा के नाम से प्रसिद्ध है। अच्छा अच्छा, तो खुला रहता है हमेशा? खुला क्या नहीं रहता है, वो कहाँ हमेशा रहता है, आप देख लीजिए, वैसे भी देखने लायक है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, वैसे भी आप हाथ जोड़ रहे हैं, वो तो खुला है वैसे। हाँ नहीं, मैं ये पूछ रही थी कि खुला रहता है ना मंदिर। हम कोटरी सेन से। कोटरी सेन से? हाँ जी। अरे हाँ जी, धन्यवाद धन्यवाद। अरे बच्चा नमस्कार नमस्कार, और सब ठीक है? पापा बैठे गाड़ी में हैं? पापा जी, पापा भी आ रखे हैं गाड़ी में बैठे हैं। तो ये दोनों फिर मिल गए हमको यहाँ पर। कहाँ से आ रहे हो? ओ गायी का काम भी करते हो है, सही है सही है, हर चीज में फर्स्ट, खेल कूद से लेके लड़ाई से लेके गाय को, लड़ाई लड़ाई नहीं। ओ
डबराट। हाँ कैसा है रास्ता पर? बहुत ज्यादा उछलना पड़ रहा है। उछल उछल के हाइट लंबी कर लेता हूँ। तो ये है मंदिर और अभी फिलहाल ताला लगा हुआ है यहाँ पर। और यहाँ पे से दरखास्ती खाल गांव भी बड़ा ही खूबसूरत लग रहा है। और यहाँ के गांव के नाम भी ऐसे होते हैं ना, मतलब मेरे मुंह से ना निकलते ही नहीं है बात। दरखास्ती खाल बोलने में भी इतना टाइम लग रहा है ना, निकल ही नहीं रहा मुंह से, अजीब सा निकल जा रहा है। कभी कभी दरखास्ती निकल जा रहा है, दरखास्ती बोलने में ना बड़ी दिक्कत हो रही है मुझे। और बहुत ही खूबसूरत सा गांव लग रहा है। इस गांव में भी जाएंगे पर कभी और दिन, अभी हमारा प्लान डबराट जाने का है। तो झटके झुटके खाने के बाद हम पहुंचने वाले हैं टावर के पास। तो दोस्तों हम ना पहुंच चुके हैं, अब हमें ना उधर की साइड जाना है, पर वहाँ पे गाड़ी खड़ी कर दी तो मैंने सोचा पहले आपको ना टावर भी दिखा दूं, क्योंकि मैंने घर से आपको दिखाया था ना कि हम टावर के उस पार जाने वाले हैं, तो मैंने सोचा पहले टावर भी दिखा दूं। तो हम टावर में ही जा रहे हैं, यहाँ से थोड़ा पैदल रास्ता है। हम यहाँ टावर में पहुँच चुके हैं, अब इस टावर पे तो पहुँच गए, अब हमें ना उस वाले टावर में जाना है। वो सामने दिख रहा होगा शायद, अभी फोन में नहीं दिख रहा, जब वहाँ पहुँचेंगे तो वहाँ पे इसे दिखाएंगे दोबारा आपको। और सबसे मेन बात पता है क्या होता है, जब तक ना स्वागत ना करा जाए तब तक ना वीडियो अधूरी अधूरी सी लगती है। वैसे वीडियो की शुरुआत तो ना घर से ही हो चुकी थी, पर मैंने ना जैसे हम और दिन करते ना वैसे शुरुआत नहीं करी, तो मैंने सोचा था टावर से करूंगी, पर आगे उससे पहले ना बनाने के लिए बहुत कुछ मिल गया था तो हमने वहीं से शुरुआत कर दी। तो चलिए जी यहाँ से ना वीडियो की भी शुरुआत कर लेते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरी नई वीडियो में। उम्मीद करती हूँ आप लोग अपने अपने घरों में सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी एकदम बढ़िया हैं। तो हम आधे रास्ते तक तो यानी टावर पर पहुँच चुके हैं, एक पहाड़ी पार कर ली है, अब दूसरी पहाड़ी पर चलना है। तो बस चलते हैं फटाफट से वहीं। और टावर के ना आसपास कुछ घर भी दिखाई दे रहे हैं, खेती बाड़ी भी खूब कर रखी है यहाँ पे लोगों ने, पर अभी लोग नहीं दिखाई दे रहे हैं शायद। यहाँ पे छन्नी है लक्की आ रखा है इस गांव में? नहीं आ रखा इस गांव में, पहली बार आ रहा। तो लक्की भी आज पहली बार आ रहा है इस गांव में। तो यहाँ पे छन्नी दिख रही है क्योंकि वो एक लड़की दिखी हमें। ए बुल्ली हाय करो। नाम बता। नाम क्या है? श्रिया। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? दरखास्ती काल में। कौन सी क्लास में? पांच में। अच्छा तो आज नहीं गए छुट्टी आज? अबे यार इतने सारे कुम्मुर लगे गलती कर दी टावर में जाने से। पर ये एक बात सही है, वहां पे ना नेटवर्क इतना गजब के आ रहे थे ना, मन कर रहा है यहीं घर बना लो अपना। कोटरी सैन में तो कभी यहाँ जाओ कभी वहां आ जाओ, नेटवर्क ही नहीं आते। टावर के पास तो ये नेटवर्क आ रहे थे, मेरी सारी वीडियो आज ही अपलोड हो जाती ऐसा लग रहा था। निकाल लेते जल्दी जल्दी से, आगे भी जाना है। ओए 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 अरे यार क्यों चटके हैं ये भाई साहब, यहाँ पर रास्ता इतना खराब है ना, मेरे को तो इतना डर लग रहा है ना, तो मैं उतर गई हूँ। रुको रुको रुको, चलो पत्थर बहुत गड्ढा हो रखा है, ये गाड़ी पार करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है, मतलब फिसल रही है गाड़ी अपने आप ही, वो देखना। तो दोस्तों कुछ ऐसी दिक्कतें भी होती हैं पहाड़ों में, अगर रास्ते सही से ना बने हो तो कुछ ऐसी दिक्कतें भी आ जाती हैं कि क्या ही बोलूँ, खतरनाक। अभी तो बहुत ही दिक्कत आ रही, गाड़ी पार ही नहीं हो पा रही। ओ भाई साहब तो भाई लोगों ने थोड़ी मदद करी जिससे हम थोड़ा पार हो गए, अब चलते हैं आगे की ओर। ओए लक्की डर लगा? नहीं लगा? ओ पे मिल गए मुझे दो बच्चे। इसी गांव में रहते तुम? तो आज स्कूल क्यों नहीं गए? छुट्टी आज? क्या करते तुम छुट्टी के दिन घर पे? कुछ नहीं करते। करते हो क्या? घर का काम करते हो स्कूल का काम करते हो? स्कूल का भी। अच्छा घर का क्या क्या काम करते हो? घर का डब्बू भरते
डब्बे भरते हो, पानी कैसा आता है? तो अभी हम ना थोड़ा आगे की साइड ऊपर की साइड चले गए थे, तो अभी वहाँ पे बच्चों ने बताया वो डबराट नहीं है, वो बूथा नगर है। तो अब हम यहाँ पे डबराट के यात्री स्टैंड में पहुँच चुके हैं। अभी अपना में अभी कोई लोग दिख तो नहीं रहा, पर देख के आते हैं नीचे की साइड कि कुछ घर दिखे, लोगों से पूछे। कैसा मीठा? यहाँ पे ये शेरू हमें अपने गांव में आने नहीं दे रहा है, हमें डरा रहा है शेरू। अरे राम, क्यों मारा? डरा राम को है। सबसे पहले मिले ताई जी। ताई जी नमस्ते। बहुत सुंदर गांव है आपका, तो पहली बार आ रही हूँ मैं यहाँ। हाँ नमस्ते। आप ही गए शेरू? आप ही गए कुत्ता? हमारा नहीं होता। बहुत डरा रहा हमको। डरा रहा जी। हाँ हमें आने नहीं दे रहे इस गांव में वो। कह रहा कहाँ से आए हो बाल। और ठीक ठाक हो? स्वास्थ्य पानी ठीक है तब? हाँ ठीक है। अच्छा हो गया नाश्ता पानी? हाँ नाश्ता पानी तो हो गया, अब तो खाना, अब तो दिन की तैयारी। बॉडी पर नाम? राम कृष्ण। बटरगा ससुराल चुके हो? बटरगा ससुराल चुके हो? अच्छा वो मुड़ी चुके। बहुत दूर से क्या? मैं ये भी बड़े थे। तुम कहीं ब्रांड हो? कोटरी। कोटरी सुने तक हो? इस वीडियो बांध लो दियो। हाँ 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 यो तो वो कोटरिया तो यूज़ करो, वो डाल अपने चीज़ में आती ओ आपने मंदिर आपने ही हाँ दीदी पापा है पापा। अच्छा अच्छा। हाँ तो ये छन्नी आपकी? आप कितने पाल रखे हैं गौर भैंस? बहुत ही सही सही। तो ये नहर का पानी है उनके लिए? हाँ सही है, सही सही। और खेती बाड़ी कैसी है इधर फिर? अच्छा अब बंदर नहीं आते तब? बंदर हाँ कोटरी सैन भिजवा दिया आपने बंदर तब? तो उन बंदरों को ना मैं वापस भेजूंगी आज। हाँ कहूँगी डबराट चले जाओ वापस। अंकित मजा आ रहा पहाड़ों में चढ़ने में? आता ही नहीं है वो यार। डबराट में ना मुझे समझ में नहीं आ रहा कहाँ घूमे जा रहे हैं, अभी किसी का घर भी नहीं पता चल रहा। हम जिसके घर आ रखे हैं वैसे पहले हमने उन्हीं के घर जाना, और अभी ना पापा वैसे 15 साल पहले आए थे तो पूरा चेंज हो चुका है। पापा को भी अभी याद नहीं आ रहा उनका घर कहाँ पर है, और जिससे भी पूछ रहे हैं कोई उधर बता रहा है कोई इधर बता रहा है। तो अभी जा तो रहे हैं, देखते हैं फिलहाल उधर की साइड होगा जिधर जा रहे हैं। तो उन्हीं का घर जाते हैं पहले, वहाँ पे थोड़ा आराम करते हैं, फिर पूरे गांव को घूमेंगे आराम से। यहाँ पे ना हवा इतनी तेज चल रही कि क्या ही बोलूँ, ड्रोन ना अपने आप को बैलेंस नहीं कर पा रहा है हवा में, इसीलिए देखो कहीं कहीं पे ड्रोन वाली वीडियो ना अजीब सी आ रही है, हिली हिली सी आ रही है। तो यहाँ ना मेरे पीछे एक पेड़ लगा हुआ है, अजीब सा पेड़ है, हमें भी नहीं पता वो किस चीज का, उसमें ना छोटे छोटे बीज जैसे लग रखे हैं। और अगर आप सभी को पता हो ना ये किस चीज का पेड़ है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना कि किस चीज का पेड़ है। पापा ओ जानो थक गए? पापा तो थक गए, पापा को पता होता ना इतनी दूर है तो पापा कभी नहीं आते हैं। पापा पता पापा पता था आपको इतनी दूर है? नहीं पता था। चलो दोनों के दोनों थक गए यहाँ पर। दूर चले अब पहले के जो घर होते थे ना अब बहुत कम देखने को मिलते हैं। वैसे तो फिलहाल ये छन्नी है, पर ना पहले घर भी ऐसे होते थे, जैसे इसकी चिनाई देखो क्या फर्स्ट क्लास चिनाई करी जाती थी पहले। तो यहाँ पे देखो छोटे छोटे पत्थर रखे जाते थे ऐसे, और फिर बड़े पत्थर, फिर उसको मतलब बराबरी करने के लिए फिर छोटे छोटे पत्थर, और ये पत्थर भी ना इन्हें काट के एक सार करा जाता था ऐसे। वो बोल रहे थे बल जो एक लड़का ना आ रहा था, बोले उससे पूछ लेना। एक लड़का ना आ रहा था ने? जो अभी तो ना ही तो ना रहा होगा वो, ना तो जो डब्बे डालेंगे चला गया होगा घर के अंदर। नहीं, 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 दिन भर नहाता रहता। वो टावर के पास
बस टावर से नीचे लाल लाल वहाँ से। हाँ वो दिख गया दिख गया दिख गया, वो टावर के सामने ये इधर की सर मेरी उंगली की सिदाई में यहाँ पे यात्री सैन वहाँ से आ रखे हम। तो फाइनली हमें यहाँ पे दादाजी मिल गए। दादाजी प्रणाम प्रणाम प्रणाम। और हमें यहाँ पे प्रधान जी भी मिल गए। प्रधान जी नमस्कार, कैसे हो, ठीक हो क्या? प्रधान जी को कौन नहीं पहचानता। हाँ और क्या, प्रधान जी तो फेमस होते ही है ना, होते ही है, वही तो। अब प्रधान जी की ना हाल फिलहाल में शादी भी होने वाली है, तो उनको बहुत बहुत बधाई कि उनकी शादी होने वाली है। हमें ताई जी मिली। ताई जी नमस्ते, ठीक ठाक हो? बहुत थक गया मैं आपके गांव में चल चल के। तब गाँव वही तो। अब आप लोगों को जो सामान उमान लेना होता होगा तो आप कहाँ जाते हो फिर? इतनी दूर जाते हो आप? तो पापा थक गए ना। दोस्त तो यहाँ पे ताऊ जी तो खाना खा रहे हैं। ताऊ जी नमस्ते, क्या क्या बना रखा है ताई जी ने खाने में? तब तो गर्मी का मौसम है, हाँ दिन में तो लगती है गर्मी। यहाँ पे देखना कितने सारे कद्दू पीले हो गए, 1 2 3 4 इधर 5, इतने सारे कद्दू। तो ये दोनों तो पता नहीं इतने आगे आगे चले जा रहे हैं और यहाँ बैठ रहे बड़े आराम से हैं, मजे आ रहे हैं मजे। हेलो हेलो करो, हेलो नमस्ते। आपने देखा है? जानते हैं, पूछ लेना मम्मी को। हाँ हाँ अच्छा, आप डॉक्टर हो? ना ना ऐसे अच्छा, बोलते हैं लोग। अच्छा बोलते हैं आपको डॉक्टर डॉक्टर? उसको पूछना मम्मी, उसको अपनी सास को। अच्छा अच्छा, इतने दिन गए इनके यहाँ, बोला हम नहीं पहचानते। मैंने ऐसे थोड़ा बोला हम नहीं पहचानते, आपने बोला मैंने नहीं देखा थे। गूगल। अच्छा यहाँ आए होंगे। तो यहाँ पे बच्चे क्या कर रहे हो बच्चों? प्रोजेक्ट बना रहे हो? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 8th में। तो क्या बना रहे हो फिर? अभी नहीं सोचा? बनाओ बनाओ तब। हाँ हाँ, मेरे ससुर जी इनकी सास की। आज पहली बार आ रहा हूँ डबराड़। ऐसे ना बोले यार, गोड़ बोली गोड़। गौड़ों के लिए पिंडा है, पिंडा रखा जा रहा है यहाँ पे। बस बढ़िया। क्या कर, क्या छिल रहे आप ये? अच्छा कद्दू। और ये मिर्च आपके खेत के कद्दू हैं ये सब? खेत के का है। अच्छा तो ये ऐसे सूखा रखा है क्या? ये सूख जाएंगे ना, तब सूख जाएंगे इसकी सब्जी बनती है। अच्छा सूख, सूख से मतलब कद्दू के सूख जाएंगे तो सब्जी बनती है। अच्छा हाँ सही है सही है। और खा लिया खाना पीना? बढ़िया बढ़िया। अरे यहाँ पे दादी जी, दादी प्रणाम, ठीक छे स्वास्थ्य पानी? बस बढ़िया। अच्छा श्वास? अरे क्या रोड, रोड ना। हाँ हमें भी बहुत दिक्कत हुई यहाँ आने में। रोड आज ही बनाए छोड़ दिया। अब वही तो। अतः गांव वालों ने कुछ बोला नहीं कि रोड पूरी की? बोला पता नहीं कहाँ है वो सरकार, हमारा सरकार तो है ही नहीं। तो ये गांव के प्रधान से बोलो तब। वो प्रधान भी सही है, वो प्रधान से बोला जाता है ना कि गांव की जो भी समस्या होती है तभी तो प्रधान बनाया जाता है। प्रधान भी सही है। अब आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो घर है टूटने की कगार में आ चुका है पूरा। जब ये बन रहा होगा ना कितनी मेहनत लगी होगी इस घर में भी बनने में। जब इस गांव में अभी तक रोड नहीं है तो जिस जमाने में ये घर बना होगा तो उस टाइम तो और भी रोड नहीं रही होगी। तो मतलब और अब ये घर पूरा टूटने की कगार में आ चुका है। गाँव में ना
खेती बहुत ही अच्छी कर रखी है लोगों ने। मेरे पीछे भी पूरी आलू की खेती है और इस साइड भी ना पूरी आलू की खेती कर रखी है लोगों ने। चारों तरफ हरियाली है क्योंकि इधर की साइड ना बंदर बहुत कम है, क्योंकि सारे बंदर ना कोटरी साइड में जा रखे हैं। और केले के मतलब यहाँ पे ना लोगों ने केले की खेती भी बहुत ज्यादा कर रखी है। ताई जी नमस्ते, ताऊ जी नमस्ते, ठीक हो? स्वास्थ्य पानी बढ़िया? बस हम भी ठीक छाओ। दादी नमस्ते, ठीक ठाक छो? नमस्ते, बस बढ़िया बढ़िया। खूब अच्छे से लिपाई भी कर रखी है ताई जी लोगों ने अपने उसकी। अब इसमें क्या रखोगे, धान? हाँ, सामान रखने के लिए खूब अच्छा बना रखा है, पूरी लिपाई कर रखी है, देखो फर्स्ट क्लास। विधायक निधि में काट रहा था, पता नहीं विधायक कहाँ फंस गया। हाँ, जब पेट पूजा हो जाएगी तभी तो सब काम होगा, है ना? अतः आपने कर ली पेट पूजा? हाँ, बन रहा। अच्छा, आपका बन रहा है, तो क्या बन रहा है आज फिर खाने में? भात तो बनेगा। हाँ, भात दाल और सब्जी। सब्जी ओ सही है, सही है। तब सब्जी की तरी में अच्छा होता है। हाँ, सब्जी की तरी में ना। हाँ, अभी ना थोड़ी देर पहले हमें वहाँ पे से वो शेरू नहीं आने दे रहा था वो कुत्ता, और यहाँ पे से गाय हमें आने नहीं दे रही है। मतलब रोक जा रहे हैं हमका। तो ताऊ जी, तो ताऊ जी हमें पार कराने आ रखे हैं। अच्छा, यहाँ से जाएं? ठीक है ठीक है। वो देखो कितने मारने, मतलब हमें अनजान को समझ के ना वो बहुत वो मारने के लिए आ रही है। देखो के लिए कर रहा ना, चल तो यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर भी है, तो चलते हैं फटाफट से दर्शन कर लेते हैं। अच्छा, वो ऊपर इधर को है, नीचे वहाँ पे जूनियर स्कूल है, जूनियर स्कूल के पास से रोड नहीं है इधर को। हाँ, आ रही थी, लेकिन विधायक निधि में पता नहीं विधायक पैसे हुए नहीं हुए, क्या हुआ कैसे हुआ। अब वही तो बहुत दिक्कत है रोड के, उससे ना दिक्कत ही तो है। रोड तो यहाँ इस मंदिर के लिए था। हाँ, लेकिन अब शासन प्रशासन से मिलके वो गड़बड़ हो गया, वो सारा कहाँ कहाँ चला गया। हाँ, वही तो, जहाँ उसने आना था वहाँ आया, वहाँ नहीं आ पाया। प्रस्तावित तो यहाँ का था। अच्छा अच्छा, यहाँ से जाना था वो ऊपर पहुँचने। ये है दिक्कत। और इधर की साइड देखो, मेरे पीछे है चबूतरे का पेड़, इतने सारे चबूतरे लग रखे है ना उसमें, मतलब पूरा पेड़ दूर से ही ना पीला दिख रहा है। ओ, ले गए भारा? भारा कुकड़ू कुकड़ू। अच्छा अच्छा, अच्छा चले गए घास काटने। अच्छा, खा पी के है? हाँ, खा पी के। तो यहाँ पे बुआ जी ने स्वादिष्ट सा खाना भी बना दिया हमारे लिए, गर्मा गर्म। नक्की कैसा हो रहा? अब तो खाए भी नहीं चावल। अब हम ना बुआ जी के वहाँ जा रहे हैं खेत में, बुआ जी सब्जी तोड़ने के लिए जा रही हैं हमारे लिए, तो चलते हैं देखते हैं बुआ की खेत में क्या क्या लग रखा है। स्कोस का पेड़ आप कहे? तो यहाँ फूफा जी तो लग गए स्कोस तोड़ने के लिए हमारे लिए, और यहाँ से तो दिख भी नहीं रहे, बहुत बड़े बड़े स्कोस लग रखे हैं। मंडवाए हैं? हमको देंगे खाना, काम करके तो खाना मिलता है, इसलिए कर रहे हैं मंडवा के दाम जल्दी जल्दी है, ताकि खराब ना हो। भीगे नहीं, सही है, मौसम खराब हो रखा है। तो इधर की साइड देखें,
तो यहाँ पे देखो छत में खूब सारा यहाँ पे मंडवा भी सुखा रखा है। और क्या सुखा रहे हो आजकल आप लोग? मंडवा धान भी लगाई थी आपने? धान खूब हुई तब? दो चार है? अच्छा सही है। अच्छा और ये क्या है? गोर भंगलू। ये खुद के उसका है? खूब हो रखा है भांग भी। अभी कच्चा है होगा? अच्छा तो सुखा देंगे सब। सही है। इधर ये पॉली हाउस के चारों तरफ ना केले के खूब खेती कर रखी है, चारों तरफ केले के पेड़ लगा रखे हैं। हेयर वाला तो है दांत कर। पापा खा लेंगे। पापा खाओगे अमरूद? खराब पच्ची भी तो नहीं। हाँ वो भी कच्चा वाली पसंद करते हैं। हाँ तो यहाँ पे मिल गया है अमरूद। धन्यवाद। क्या पकड़ने? यहाँ पे ना चबूतरे भी देखना कितने बड़े बड़े लग रखे हैं कद्दू के बराबर। तो बुआ ने मान ले चबूतरे भी तोड़ दिए हैं दो तीन, तो ये भी लेके चलते हैं हम अपने कोटी से। ना ना ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं। तो अब ना शाम के बज चुके हैं 5 और मौसम भी ना कुछ खराब सा होने लग गया। उधर की साइड से ना मतलब अंधेरा अंधेरा सा होने लग गया है, लग रहा है कि बारिश भी हो सकती है। उससे पहले ना घर चलते हैं, कहीं बारिश यहीं ना हो जाए और हम अटक ना जाए यहीं पर। यहाँ पे मुझे करिश्मा के पापा भी मिल गए हैं। नमस्ते, दिवाली की बहुत बहुत बधाई हो आप लोगों को भी। आज आप मना, आज मना रहे हो कि कल मनाई थी? कल भी मनाया, आज भी मनाया और कल भी मनाएंगे। बूढ़ी दिवाली तक मनाते रहेंगे है? अच्छा तो करीब इधर करिश्मा का घर है? वो है घर तो वो गौशाला है। अच्छा ये गौशाला है। अच्छा उधर है उसकी मम्मी और वो सामने करिश्मा का घर है। करिश्मा की मम्मी बैठी है, बात कर रही फोन में। नमस्ते, ठीक हो? बढ़िया बढ़िया। फाइनली हम ना ऊपर सड़क में पहुंच चुके हैं। बहुत ही थक गए, मैं तो उतना नहीं थकी पर पापा आंकी और लक्की भी नहीं थका। वैसे है ना लक्की, थका कि नहीं थका? नहीं थका लक्की और मैं फुर्तीले है ना इसीलिए। और आपने शुरू में देखा होगा मैंने आज अंकी को डुग्गू के पापा बोला। वो इसलिए बोला मैंने क्योंकि गांव में ना कई दादी लोग वगैरह हैं, वो कहते हैं ना तुरा अंकी अंकी बोलती है, तो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मैंने सोचा डुग्गू के पापा बोलती हूँ। पर जो बोला बोलते रहते ना हम अक्सर वही निकलता है मुँह से, फिर बीच में वही निकलने लगे। तो आज की वीडियो को भी ना यहीं पर समाप्त कर देते हैं। वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते अपनी नई वीडियो के संग, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।